बजे पे ने 12:30 हूँ असं हो चुके हैं रेडी गुरुद्वारा साहब जाने वास्ते। बाकी नीचे चल के तुम्हें दिखाते हैं। गाइस असं स्कूटी ते ही चलेंगे क्योंकि गड्डी साढ़े को है नहीं है। गड्डी पापा तो दोस्त लैके गए फरीदाबाद, आ जाएंगे कल तक आ जाएंगे। पेट्रोल है ना चेक कर लिए। हाँ है मेरी स्कूटी ने 1 साल हो गया था, 13,037 चल चुके हैं। चलो रात का टाइम तो पूरा साड़ा ब्लॉक मतलब जिधर रहते हैं सारा सुनसान है। गार्ड साहब बैठे हुए राउंड वगैरह मारते पे ने। चलो कोई नहीं चिपसी जा रही है। चुके हैं सिंह बाबा जी के दरबार गुरुद्वारा साहब। अज भी संगत कट है ते खालसा जी। असं गुरुद्वारा साहब मत्था वगैरह टेकता गाबन साहब गुरुद्वारा ऐसी अच्छे असी तो बंगला साहब मत्था टेक के आ गए। तो बाकी तो हूँ इधर असं बस चल कर तो बाकी अजय तुम स्टॉल देखते पे हो ना सारे अजो लगते पे ने साडी स्कूटी खड़ी है। तो जो तुम सारे स्टॉल देखते पे हो ना साड़ा की है 10 तरीक न साढ़े बाबा जी का जन्म दिहाड़ा है। धन धन बाला प्रीतम श्री कृष्ण तेज इतने सब कुछ है उन्होंने उन्होंने जन्म दिहाड़ा है अपना बंगला साहब विखे 10 तरीक न। वैसे तो है 11 बट अमृत रात अस 10 मतलब सारे जो गुरुद्वारे के प्रधान मैनेजमेंट कमेटी वगैरह सब वो बनाते हैं। तो बाकी है उस करके सारा स्टॉल वगैरह लगता पाया गुरु का लंगर है इस करके। बाकी इधर इन्नी शांति मिलती है ना राती अमृत वेले आओ अपना नाम जपो वंड छको। बाकी चलते हैं कर इस असी हूने उठे से बाहर बरसात का मौसम बनया पाया पशु पक्षी खाते पे इधर मैं रख दिता है खा लें आराम नाल। अच मंगलवार मार्केट है लगी नहीं मेरे ख्याल मेरे घर के और ना इधर तो इन्नी साड़ी स्कूटी तो देखो लग गई ने लाइना च बरसात का मौसम बनया पाया। चलो कोई नहीं असं भी हम फ्रैश शार वगैरह लगे रेडी होकर उतर दे नीचे। शाम के बजे ने 6:30 मतलब 6:45 तो असं हो चुके हैं रेडी। बी एड वगैरह कर लेती है सैट हूँ चलने असं नीचे। अज क्योंकि लेट ही उठाया से मैं क्योंकि अपना क्लासेस वगैरह होंगे ने मेरी सवेरे तो उस बाद आके फिर सो जाता मैं। चला चलो हूँ इनू नीचे घुमाऊंगा पहले फिर तुम्हें दिखा ट्यूजर मार्केट असं घुमाते मैं नीचे घूमता पाया ट्यूजर मार्केट उतर मन ही नहीं करता नीचे उतरन बट फिर भी इन्हें इन पोटी शुशू आया इन करा ठीक है। हूँ सीधा चले हाँ साउथ तक जरा सू कोई कम सी बाकी अज मौसम तो ओके। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं पैदल। एक्चुअली हमारी गाड़ी आ चुकी है वो खड़ी है पंथनगर में। तो ये मेरे ब्लॉक की गली है शॉर्टकट तो मैं यहाँ से निकल के मैं कहा चलो पैदल चले जाता हूँ। कोई भी है नहीं कि भी मेरे को छोड़ देगा वहाँ स्कूटी पे फिर स्कूटी खड़ी करो फिर गाड़ी उठाओ फिर गाड़ी यहाँ खड़ी करो फिर स्कूटी पे जाओ। तो मैंने कहा पैदल चलते हैं। यार एक तो हमारा 4 ब्लॉक है ना इधर इतनी गंदगी होती है ना देखो कीचड़ के ऊपर से निकलना पड़ता है। चलो चलो पैदल पैदल हम निकल चुके हैं जाने के लिए। आज हमारे मंगल बाजार की मार्केट लगी है ना सारी इस करके चलते हैं। मिल गई लिफ्ट हमारा भाई मिल गया हमें हमने कहा पंथनगर तक छोड़ दो चलते हैं। बाकी दादा लन भाई उन्होंने हमें लिफ्ट दे दी हमने कहा भाई पंथनगर तक छोड़ दो जरा गाड़ी खड़ी है दो दिन बाद जाके हमारी गाड़ी हमारे पास आएगी। दो दिन तो हो गए थे क्योंकि मैंने 2 दिन से चलाई नहीं थी पापा का दोस्त लग गया वो तो। चलते हैं बस यहाँ से सीधा अभी हम जा रहे हैं अमर कॉलोनी दोबारा क्योंकि हमें वहाँ काम था। मम्मी एक्चुअली अपनी फ्रेंड के वहाँ पे गई है तो हम अपनी मम्मी को लेने जा रहे हैं। बाकी चलते हैं यहाँ से देख रहे हो आप मैं आधे घंटे से खड़ा हूँ ट्रैफिक के अंदर अभी तक जाम नहीं चला। नीरज है पता नहीं क्या आज मेरे ख्याल आगे बैरिकेडिंग लगाई होगी पता नहीं बट क्यों फिर भी यार आधा घंटा हो गया। चलते हैं कोई नहीं यार यार फिर जाम लग गया गाइस। बैंक
पैसे निकलवाने, क्योंकि बिना मुद्रे के तो सब चलता नहीं ना। तो गाइस हमें फिर लग गई थी भूख, हमने कहा सब्वे वगैरह क्या जाएंगे हम, जो कल अपनी शॉप पे नहीं आए थे इधर ही जनता मीट शॉप, तो हम इधर ही आगे खाने ऑर्डर दिए हुए रोल वगैरह का, बाकी खाते हैं फिर यहाँ से घर चलते हैं। आज सच्ची में भाई बहुत डिले हो गया, आज गालियाँ पड़ेंगी लगता है घर मम्मी पापा से, बहुत डिले हो गया आज। आज मैं दोपहर से क्या ऑलमोस्ट 1 बजे से घर का बाहर हूँ। अब बाकी घर चलते हैं, फ्रेश वगैरह होएंगे, देन अपना फिर रात को गुरुद्वारा जाना जो हमारी बेसिकली रूटीन है। मिलते हैं आपसे घर जाके।